गौरक्षक वैभव रावत को एटीएस ने छापेमारी की, मिला आरडीएक्स, ऐसा कहना है एटीएस का। पर वहीं हिंदुओं का कहना है कि वैभव जी को फंसाया जा रहा है। वहीं सबके चहेते शिव कुमार पांडे का कहना है कि साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। और वहीं 17 अगस्त शाम 5 बजे से 7 बजे तक आंदोलन की बात चल रही है, पर किसी तरह की आरडीएक्स की पुष्टि नहीं की गई है। सर आपका नाम? मेरा नाम शिव कुमार पांडे है। वैभव राव को क्यों गिरफ्तार किया जी? एटीएस ने वैभव राव जी, जो कि पिछले 10-15 वर्षों से एक हिंदू और राष्ट्रवाद के विषय पर काम करने वाले बड़े प्रस्थापित एक कार्यकर्ता थे और स्वभाव से बड़े विनम्र और शालीन व्यक्ति थे, उनको एटीएस ने आज डिटेन किया है, इलीगल तरीके से डिटेन किया है। और ऐसा बताया जा रहा है कि उनके घर से बम बनाने की सामग्री बरामद हुई है। तो इसमें ऐसा है कि आप जैसे कि वहाँ पर देख सकते हैं कि पिछले 15-20 घंटों से एटीएस ने, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एटीएस किसी के यहाँ छापा डालने जा रही है, किसी को पकड़ने जा रही है, और पूरे तामझाम के साथ, पूरे मीडिया मैनेजमेंट के साथ, पूरे बंदोबस्त के साथ एटीएस वहाँ पर आई। और जब आपने मीडिया को आप ले करके आए और 12-15 घंटे आपने मीडिया को बिठाए रखा, उसके बाद अगर आपको वैभव जी के घर में से अगर बम बनाने की कोई सामग्री मिली या कुछ मिला, तो क्या आपने मीडिया को दिखाया? आपने मीडिया को नहीं दिखाया कि उनके घर से क्या बरामद। तो इस तरीके से हिंदू आतंकवाद इस शब्द को प्रस्थापित करने के लिए ऐसे षड्यंत्र पहले से किए जा रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह का केस देख लीजिए, कर्नल पुरोहित का केस देख लीजिए, और इसके साथ साथ चतुर्वेदी जी जो मालेगांव ब्लास्ट हुआ था, उसमें भी ऐसा कहा गया कि उनके घर से जो है विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है, तो फिर बाद में वो निर्दोष साबित हुए। तो ये ऐसी चीज़ें इसलिए की जा रही हैं, आने वाले कुछ ही समय में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो जो वोटों की राजनीति करते हैं, वोटों के लिए जो लोगों की लाशों पर खेलने वाले जो लोग हैं, तो ये उसमें अपना स्वार्थ सिद्धि करना चाहते हैं, और हिंदू भी आतंकवादी होता है ये प्रस्थापित करने का एक प्रयास कर रहे हैं। उनको अकेले को लिए कि और किसी के साथ लोगों? उनके साथ में 2 और लोगों को डिटेन किया गया है, और पुलिस एटीएस ने जो डिटेन किया है उनको, वो उसका तरीका सही नहीं, वो एक इलीगल डिटेंशन की तरह दिखता है। और अगर वैभव राउत जी पर उंगलियां उठा रहे हैं लोग, तो उसके साथ साथ आपको जैसा कि पता है कि एटीएस का कार्यशैली क्या है, अभी कुछ दिनों पहले एक एनकाउंटर हुआ था यहाँ पर, उसमें भी तमाम उंगलियां उठी हैं उनके ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि भाई इनका कार्य पद्धति क्या है। अगर आप मीडिया को पूरे अपनी पीठ थपथपाने के लिए आपने मीडिया को यहाँ पर बुलाया, तो जो भी उनके घर से बरामद हुआ आपने वो मीडिया को दिखाया क्यों नहीं? मुंबई से सटे पालघर जिला के नाला सुपारा पश्चिम में कल रात दिनांक 9 अगस्त को वैभव राउत के घर पे एटीएस ने छापेमारी की, और छापेमारी में ये बताया जा रहा है, जैसा सूत्रों का मानना है, कि उनके घर से विस्फोटक पदार्थ बरामद किए गए। लेकिन वहीं समाजसेवी शिव कुमार पांडे जी, जो नाला सुपारा के बहुत ही अच्छे समाज सेवक है, उनका ये कहना है कि वैभव राउत का इससे कोई लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल निर्दोष है, बल्कि इनको फंसाया जा रहा है। फंसाने का कारण उनको ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार से चुनाव का माहौल आ रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए कोई वैभव राउत को फंसाने की कोशिश किया जा रहा है, इस प्रकार समाज सेवक शिव कुमार पांडे जी का कहना है।